बात करेंगे गुजरात काउंसलिंग का, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस सभी का सीट मैट्रिक्स देखेंगे, कट ऑफ जाने के 2024 में क्या रह सकता है, पीडब्ल्यूडी का भी कट ऑफ जाने के, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है हमारी सर्विसेज ले सकते हैं आप, ये नोटिस देख सकते हैं। 13 से आपका स्टार्ट हुआ है और 3 अगस्त से स्टार्ट है और 13 लास्ट डेट है पिन लेने का। जो बाहरी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एमबीबीएस के लिए, प्राइवेट के लिए गुजरात क्लोज स्टेट है, बट आयुष कोर्सेज के लिए, बीएएमएस और बीएचएमएस के लिए ओपन स्टेट है। तो आप गुजरात के बेहतरीन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएएमएस और बीएचएमएस, ऑल इंडिया 15% सीट ओपन है, किसी भी राज्य का बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है। गुजरात के कॉलेज काफी अच्छे माने जाते हैं। ऑनलाइन पिन परचेज 3 अगस्त से आप कर सकते हैं 13 अगस्त तक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 से लेकर 13 अगस्त तक है आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिशन ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एट हेल्प सेंटर 5 to 14 तक। तो ये आपका हो गया कंप्लीट डेट। कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, 1000 नॉन रिफंडेबल है, प्लस 10,000 की सिक्योरिटी है, रिफंडेबल ये 11,000 है टोटल। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग के लिए बात कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन प्रोसेस, तो एक एक करके आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। स्टैंडर्ड का आपका मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए नीट यूजी, ये कंप्लीट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप 9369770462 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, ये आपके 10th मार्कशीट है। तो सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे आपका दिया गया है। कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो अभी भी आप बनवा सकते हैं, और कोई भी चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो हमसे आप बात कर सकते हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं ध्यान से देख सकते हैं, ये आपके सभी हॉस्पिटल, आपको केवल इन्हीं हॉस्पिटल पे जाना है। इस हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे उसके बाद अगर आपका एडमिशन होता है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो लिस्ट है, ये कॉन्टेक्ट नंबर आपके दिए गए हैं, डॉक्टर्स के नाम है, ये पूरा लिस्ट है। इसके अलावा किसी बाहरी अस्पताल से आपको अपना चेकअप नहीं करवाना है, करवाना है तो फिर वो सेंट्रल के जो 60 हॉस्पिटल है वहां से करवाना है। तो दिव्यांग बच्चे ध्यान रखें, समय पे जाके अपना चेकअप कराएं अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो। ये आपका पूरा फॉर्मेट है जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए। और इसके बाद सबसे जरूरी चीज डिस्कस करेंगे कि कितना फीस है और क्या कट ऑफ रहता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप लोगों के लिए। सबसे पहले एमबीबीएस का सीट देखिएगा, ये कॉलेज टाइप भी लिखा है, यूनिवर्सिटी किससे या सीट, गवर्नमेंट सीट, सभी यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ये आपका फीस लिखा है, गुजरात में कॉलेज काफी बजट में है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है आप देख सकते हैं केवल 25,000 फी है, और उसके बाद भी जो सेल्फ फाइनेंस है उनका जो फीस है वो 3,30,000 है, मैनेजमेंट कोटे में आपका 9 लाख फीस है। तो पूरा आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स के साथ। ये एमबीबीएस कॉलेज का है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो 9369770462 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये कंप्लीट आपका कॉलेज का कोड है, ऑल इंडिया सीट है, गवर्नमेंट सीट है, मैनेजमेंट सीट है, एनआरआई सीट, और कंप्लीट फीस सबका दिया गया है। ये 2023 का है, 2024 जैसे अपडेट होगा चैनल पे मैं तुरंत आपको बताऊंगा। इसके बाद आप कट ऑफ देख सकते हैं कि एमबीबीएस का कट ऑफ क्या रहता है, सभी कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस करेंगे। बीजेएमसी अहमदाबाद से आप देख सकते हैं, ये जनरल का कट ऑफ है, मार्क्स देखने से पहले गए, अब आपको केवल रैंक देखनी है। यहाँ पे कंफ्यूज हो रैंक, बीजेएमसी नंबर 1 कॉलेज है, 2607 रैंक पे मिला था। ओपन ईडब्ल्यूएस, एससी, एससी, एसटी और इधर पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी है, आप आराम से देख सकते हैं।
पीडब्ल्यूडी में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं। बट अदर कैटेगरी में आपको मार्क्स देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल आपने रैंक देखनी है बस। बड़ौदरा 7805, एमपी शाह जामनगर 20,000, जीएमसी सूरत 13,000, पीडीयू एमसी 15,000, जीएमसी भावनगर 24,000। ये कंप्लीट कट ऑफ है। इसके बाद ये जीमर्स का कट ऑफ है। सभी कॉलेज का कंप्लीट मैंने इसमें कट ऑफ बनाया हुआ है, आप ये पीडीएफ ले सकते हैं और पूरा कट ऑफ आराम से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आयुष कोर्स की, कि आयुष कोर्स में कितना सीट। उससे पहले देख लेते हैं कि बीडीएस में कितने कॉलेज हैं और कितना यहाँ पे फीस लगता है। ये टोटल आपके बीडीएस के कॉलेज हैं। ये गवर्नमेंट का फीस आप देख सकते हैं, केवल 20,000 लगता है। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, एमपी पटेल डेंटल कॉलेज वडोदरा, आप आगे जाके देख सकते हैं, गवर्नमेंट कोटा की फीस 4,20,000 है और मैनेजमेंट की 7,45,000। कंप्लीट फीस इसमें दिया गया है। इसके बाद आयुर्वेद कॉलेजों का बात करेंगे, जो बीएमएस के कॉलेज हैं वो वहां पे किस रैंक तक मिलेंगे और फीस कितनी होगी। कंप्लीट कॉलेज की लिस्ट, पूरा ऑलिटिया पूटा कितनी सीट है, गवर्नमेंट कितनी सीट है, और ये आपकी कंप्लीट फीस लिखी हुई है। पूरा आप आराम से देख सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट इंटेक और फीस के साथ सभी कॉलेजों का यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद होम्योपैथी की बात करेंगे, बीएचएमएस में जो बच्चे लेना चाहते हैं ये कंप्लीट पूरी लिस्ट है। फीस होम्योपैथी के भी सभी कॉलेज देख सकते हैं। इसके बाद कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि आपको किस रैंक पे होम्योपैथी मिलेगा, टॉप कॉलेज से लेके प्राइवेट कॉलेज तक की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा स्कोर आपको बिल्कुल, केवल आपको रैंक देखनी है। गवर्नमेंट अखंड आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदाबाद और अच्छा कॉलेज माना जाता है। ओपन को 96,000 मिला था 2023 में, ऐसी 16 रैंक देखिएगा, 12 हो जाते हैं। कॉल करते हैं कि क्या मुझको इतने नंबर पे मिल जाएगा, तो इस बार का नंबर और रैंक में बहुत बदलाव है। वीडियो पहले का बना हुआ है, आपको केवल रैंक देखनी है, स्कोर आपको। मैं नए वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं रैंक का केवल रैंक लिख रहा हूँ, स्कोर नहीं लिख रहा हूँ। पर ये पुराने वीडियो हैं, इतनी जल्दी नहीं बनाए जा सकते, तो आप लोग आराम से सिस्टम कीजिए। ले सकते हैं 9369 कंप्लीट पूरे डॉक्टर काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, एमबीबीएस बीडीएस बीएएमएस बीएचएमएस किसी भी टाइप की सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं, कंफ्यूज है, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।